चलो आज बात कुछ कर लेते हैं। मैं सबका आंसर करूंगी, बट अभी फिलहाल कल आप सभी को पता ही, बिकॉज मैं ना सिर्फ 1 वीक के लिए आई थी, तो बहुत प्रॉब्लम है हमारे पास। बच्चे का फर्स्ट बर्थडे है तो मैं नहीं चाहती कि उसको और टाइप का, बट ऐसा होना नहीं चाहिए। दीदी आपका लव मैरिज है या अरेंज मैरिज है? स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल नेहा नवनीत में। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और आप लोग की ढेर सारी ब्लेसिंग्स की वजह से हम लोग भी बहुत अच्छे हैं। तो अभी सुबह के 7 बज रहे हैं और हम लोग को निकलना है आज किसी काम से पटना। तो हम लोग निकलने वाले, यहाँ देख सकते हैं चिगू को हमने रेडी कर रखा है। सो जब तक इसकी मासी इसको रखी हुई है तब तक मैं रेडी हो जाती हूँ फटाफट, और मम्मी ने नाश्ता भी बना दिया है। माँ के होने का यही फ़ायदा होता है कि आप कितने भी सुबह कहीं भी जाओ तो 2 रोटी खा के ही जाना है। तो बस मम्मी पराठा और गोभी का भुजिया भी बना दी हुई है, तो हमें नाश्ता भी करना है और उसके बाद यहाँ से निकलना है। Hi, how are you? All good? Sub good? All good? Sub good? तो गाइस देख रहे हैं हम लोग जो है मुजफ्फरपुर पहुंच चुके हैं और समय 11:56 हो चुका है। चिकू को देखिए, चीकू हमारा पूरे मस्ती के मोड में है और पूरे नखरे हैं इसके भाई साहब के। दिखाओ गाइस को जरा अच्छे से चीकू को। बटू गाइस को हेलो बोलो। हम लोग पट्टा पहुंचने वाले हैं, हम लोग अभी अब दीघा पुल जो है उसको क्रॉस करेंगे। ये पुल इंजीनियरिंग का शानदार नमूना पेश करती है। नीचे रेलवे ब्रिज है और ऊपर जो है वो गाड़ियों के लिए जो है वो ब्रिज है गंगा नदी के ऊपर। ये देख सकते हैं इधर नीचे पूरा नदी है, जो गंगा नदी है सूख चुकी है। गंगा नदी है जो थोड़े बहुत आपको पानी दिख रहा होगा क्योंकि अभी हम लोग साइड में हैं। वैसे तो नदी बहुत बड़ा है बट अभी पानी बहुत सिमट सा गया है। हम लोग पटना पहुंच चुके हैं और जिस काम के लिए आए थे वो भी काम खत्म हो चुका है और अभी 4 बज रहे हैं शाम के और अभी हम लोग जा रहे हैं लंच करने क्योंकि भूख बहुत तेज लग गई है। सुबह को 7 बजे के आसपास ही हम लोग ब्रेकफास्ट करके आए थे, पराठा और गोभी का भुजिया जैसे कि मैंने आपको बताया था। और ये है पटना का ट्रैफिक, काफ़ी ट्रैफिक रहता है, स्पेशली बोरिंग रोड की साइड तो ज़्यादा ही रहता है क्योंकि वहाँ पर रोड जो है वो पतला बहुत है इसलिए। हम सारे ट्रैफिक को पार करके और पहुँच चुके रेस्टोरेंट और यहाँ पर हम लोग पहले लंच करेंगे, उसके बाद बाकी का जो काम बचा हुआ है वो फिनिश करके फिर घर की तरफ निकल लेंगे। लंच में हमने ऑर्डर किया था चावल दाल पनीर की सब्जी, मतलब बेसिकली लंच तो चावल दाल ही होता है और हम लोग का मतलब मन भी भरता है चावल दाल से ही, एक बार दिन में चावल तो होना ही चाहिए। और मुझसे ज़्यादा मेरे हस्बैंड का तो बिल्कुल ही, वो चावल बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। तो हम लोग लंच वगैरह कर चुके थे, उसके बाद थोड़ा बहुत इधर उधर घूमने के बाद हम लोग पहुँचे खेतान मार्केट पटना। यहाँ पर आपको बहुत सारी वेराइटीज़ के ड्रेसेस मिल जाएंगे, जैसे दिल्ली में चांदनी चौक है ना वैसे ही पटना में ये मार्केट है, ये मुझे पहले नहीं पता था।
बट फिर हम लोग यहाँ पे घूमने आए और यहाँ पे बहुत सुंदर सुंदर लहंगा देखे आप लोग को हम दिखा रहे हैं। जो भी एक आध वीडियो जो हम ले पाए वो हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। वैसे मैं शादी से पहले 1 साल पटना रही थी पढ़ने के लिए, बट यहाँ पे मैं ज्यादा कुछ ये मार्केट वगैरह घूमी नहीं थी, इसलिए मुझे कुछ ज्यादा आइडिया नहीं। मैं सिर्फ बोरिंग रोड में रहती थी, वहाँ पे एक छोटा सा मार्केट था जहाँ पे जैसे जो नेसेसरी काम होता था जैसे कि चप्पल वगैरह लेना, सैंडल वगैरह लेना, तो वहाँ चले जाते थे। मेरी हॉस्टल में ही एक फ्रेंड थी उसके साथ, और ज़्यादा पटना मैंने एक्सप्लोर किया ही नहीं। उसके बाद हम फिर घर चले आए, हमारी शादी हुई फिर उसके बाद, तो पटना हमने छोड़ा। हम 1 साल कहेंगे भी नहीं, उससे कम ही दिन रहे थे पटना। और यहाँ देख सकते हैं आपको तरह तरह की वेराइटीज़ आपको ड्रेसेस की मिल जाएगी, लहंगे की मिल जाएगी। वैसे हम इसका प्रमोशन नहीं कर रहे, बस हम घूमने आए थे क्योंकि बाबू का बर्थडे है, तो हमने सोचा चलो कुछ ड्रेस पसंद आ जाएगा तो हम ले लेंगे, तो बस इसीलिए हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। बट आपको पता है ये सब ड्रेस की ना एक बहुत बुरी बात है, ये सिर्फ वन टाइम यूज़ होता है। पैसे तो काफ़ी लग जाते हैं बट सिर्फ वन टाइम यूज़ होता है, उसके बाद अब दूसरे फंक्शन में वो नहीं पहन सकते, मतलब नहीं लोग पहन पाते हैं। पूरा पटना घूमने के बाद मन में ख्याल आया कि हम मैरिन ड्राइव कैसे छोड़ सकते हैं, वहाँ का फूड कैसे छोड़ सकते हैं, क्योंकि हमने सारा पटना तो एक्सप्लोर कर लिया, लगभग लगभग तो घूम ही लिया। और उसके बाद हम आए मैरिन ड्राइव। मैं पिछली बार बिहार आई थी तो मैंने आपको दिखाया था, क्योंकि मैं दिन में क्रॉस हो रही थी तो यहाँ पे आपको कुछ मेला वगैरह दिखा नहीं था। वैसे मेला नहीं रहता है, फूड कार्ट बहुत ज़्यादा रहता है। तो हम पहुँच गए फूड कार्ट के पास। लगभग ये 2 से 3 किलो 2.5 से 3 किलोमीटर में फैला रहता है, और बगल में ही दिघा पुल है जिस रास्ते हमें मतलब घर की तरफ जाना है। ठीक है, यहाँ पे बहुत सारे कार्ट वेज और नॉनवेज रहता है। और यहाँ का फेमस पता है क्या है? लिट्टी चिकन। वैसे जो लोग नॉनवेज नहीं खाते हैं इट्स ओके, बट उनके लिए वेज की वैरायटीज़ भी बहुत सारी रहती है। और मुझे यहाँ का ना कुल्लड़ चाय बहुत पसंद आया, जो बनाने का तरीका था ना तंदूर वाला, वो तो मैं 1 कप या 2-2 कप पी थी, मुझे बहुत अच्छा लगा था। तो बस यहाँ आने के बाद सबसे पहले मैं चली गई, जो कार्ट मुझे समझ में आया मैं चंपारण मीट हाउस के वाले के पास रुक गई, और यहाँ आने के बाद मैंने ऑर्डर किया लिट्टी और चिकन। वैसे मैं फूड व्लॉगर की बहुत बड़ी फ़ैन हूँ, मैं बहुत सारे फूड व्लॉगर को फॉलो करती हूँ, और मैं ना देखती रहती हूँ कहाँ पे क्या मिलता है, कहाँ क्या स्पेशल है। तो मैं यहाँ पे बहुत दिनों से देख रही थी पटना के मैरिन ड्राइव पे लिट्टी चिकन बहुत ज़्यादा फेमस है, तो मैंने सोचा चलो यहाँ पे आके ट्राई करते। तो हमने ट्राई किया, लिटरली बहुत टेस्टी था, अच्छा लगा मुझे। वैसे जो लोग नॉनवेज नहीं खाते हैं उन लोगों के लिए सॉरी, बट जो लोग खाते हैं उनको बहुत पसंद आएगा लिट्टी और चिकन। एक लिट्टी और 2 चिकन का पीस मुझे पड़ा था 130 रुपये में, जिसमें एक लेग पीस, एक नॉर्मल पीस और एक लिट्टी था, और अगर आप एक्स्ट्रा लिट्टी लेते हो ना तो 15 रुपीज़ पड़ता है। और उसके बाद हमने ट्राई किया कुल्हड़ चाय, जो कि बहुत टेस्टी था। गाइज अगर आप पटना के आसपास रहते हैं ना तो चाय पीने ज़रूर आइएगा, जो जिनको चाय बहुत अच्छा लगता है उनके लिए स्पेशली ये है। उसके बाद खा पी के मस्ती से हम लोग निकल चुके घर, और मेरे बेटा का फेवरेट प्लेस गाड़ी में देखिए ज़रा कहाँ है, वो यहाँ खड़ा रहना बहुत कंफर्टेबल महसूस करता है। उसके बाद यहाँ पे खड़ा होके एसी को आगे पीछे करने में उसको बहुत मन लगता है। तो ऐसे करते हम लोग पहुँच जाते घर, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट डे। हे गाइस, सो कल पटना से आते आते बज गए थे 12, तो आप लोगों से कुछ बातें हुई नहीं, तो मैंने सोचा चलो आज बात कुछ कर लेते हैं आप लोगों के साथ। जैसा कि आप सबको पता है कि इस टाइम पे अभी हमारा वीडियो थोड़ा कम आ रहा है, वैसे भी कम ही आता था, हफ्ते में 3 वीडियो 4 वीडियो ऐसे मैं डिलीवर करती हूँ, डेली बेसिस पे तो ब्लॉगिंग नहीं करती हूँ मैं। बट अभी फ़िलहाल तो और ज़्यादा कम हो गया है, क्योंकि आप सभी को पता है मैं अभी बिहार में हूँ, और ट्रैवलिंग की वजह से थोड़ा सा चीज़ें भी, हेल्थ इशूज़ भी प्रॉब्लम थी। बट मैं यही कोशिश करती रहती हूँ कि आप लोगों से हमेशा मैं कनेक्ट रहूँ, किसी ना किसी चीज़ को लेकर मैं कनेक्ट रहूँ। और जैसा कि मैंने पिछला व्लॉग कही या उससे पिछला व्लॉग मैंने छोड़ा था कि आप लोगों को जो पूछना है पूछो, मैं सबका आंसर करूंगी, बट उसमें से बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि आप बोलते हो बट कुछ बताते नहीं हो, कुछ आंसर नहीं करते हो, बस आप बोल देते हो, आपने बहुत कुछ बोला हुआ है बट आपने कुछ शेयर नहीं किया हुआ है। ऐसा कुछ भी नहीं है, हमारी परिस्थितियाँ ही ऐसी होती है कि मैं आप लोगों के साथ कुछ शेयर नहीं, कभी कभी कुछ शेयर नहीं कर पाती हूँ, कभी कभी कुछ कर लेती हूँ। ठीक है, खैर कोई बात नहीं। अभी फिलहाल कल आप सभी को पता ही कि हम पटना गए थे, कुछ काम भी था, और दूसरा बाबू का बर्थडे 27 फरवरी को है,
तो उसकी भी तैयारियां करने, क्योंकि मैं यहाँ एक्चुअली आई थी सिर्फ 1 वीक के लिए और मैंने जो कपड़े लाए थे वो भी सिर्फ 1 वीक का ही लाया था। 3-4 सूट लेके आई थी एंड 2 विंटर नाइट सूट के लिए ये लेके आई थी बस। उसके अलावा मेरे पास कोई कपड़े नहीं थे एज सच, बिकॉज मैं ना सिर्फ 1 वीक के लिए ही आई थी। बट ऐसा नहीं हुआ हमें यहाँ रुकना पड़ा किसी काम की वजह से, किसी प्रॉब्लम की वजह से हम यहाँ रुकना पड़ा। और अब जो है लगभग 3 वीक्स हो चुके हैं यहाँ पे हमारे, 4th वीक्स में अब मैं एंटर कर जाऊंगी। तो वो वीक खत्म होते होते 1 मंथ होने को हो जाएगा, बट कोई बात नहीं है अभी जाएंगे। तो जैसा कि मैं आप लोगों को बता रही थी कि बाबू का बर्थडे है, दिल्ली रहती तो बहुत सारे ऑप्शंस होते हमारे पास, क्योंकि अभी मैं बिहार हूँ यहाँ पे कोई ऑप्शंस भी नहीं है, हमने कैरी भी नहीं किया है, तो बहुत प्रॉब्लम है हमारे पास कि कपड़े भी नहीं है पहनने को। बच्चे का फर्स्ट बर्थडे है तो मैं नहीं चाहती कि उसको थोड़ा इग्नोर कर दिया जाए, क्योंकि अपना होता या फिर इनका होता या मैरिज एनिवर्सरी रहता तो आप सबको पता ही है थोड़ा बहुत इग्नोर भी कर दिया जाता है। बट बच्चे का फर्स्ट बर्थडे यू नो कि एक्साइटेड बहुत ज्यादा होती है, एक्साइटमेंट बहुत ज्यादा होती है। बट हमने जैसा एक्सपेक्ट किया था कि हम ऐसा करेंगे बट वैसा कर नहीं पा रहे, क्योंकि ये सीतामढ़ी बहुत छोटा सा टाउन है और यहाँ पे उस तरीके का व्यवस्था मिलता भी नहीं है। और हमारे पास यहाँ पे उतना, अगर मैं उस टाइप का व्यवस्था कर भी लूँ फर्स्ट बर्थडे के नाम पे, शौक के नाम पे, तो मेरे पास उतना गेस्ट हो नहीं पाएंगे इकट्ठा। और उतना करने का मतलब है जब तक आपके 100-150 लोग ना हो तो फिर मजा नहीं है सारे चीजें अरेंज करने का उतना। तो इस हिसाब से मैंने हम लोगों ने डिसाइड किया कि चलो ना बहुत बुरा करेंगे ना बहुत अच्छा करेंगे, मीडियम में निकाल लेते बर्थडे की, ताकि एक यादें भी रह जाए कि हमारा बच्चे का फर्स्ट बर्थडे था, होम टाउन में मनाए थे, कुछ ऐसा मनाए थे, ऐसी परिस्थितियां में भी मनाए थे। हालांकि अभी हमारी परिस्थिति बहुत अच्छी नहीं है, बहुत बुरी चल रही है, बट फिर भी ठीक है, इट्स ओके। सुख और दुख तो लगा रहता है, ये कौन सी बड़ी बात है, और सभी के लाइफ में लगा रहता है, मैं कोई स्पेशल पर्सन नहीं हूं। और तो पटना गई थी, पटना के खेतान मार्केट में देखा था, बट वहां पे समझ में तो आया कुछ चीजें, बट उतना मजा नहीं आया चीजों को देख के, या फिर मुझे उतना मार्केट का पता नहीं था। हम लोग बस ऐसे ही घूमे थे और देखे थे वहां पे, वैसे तो वैरायटीज बहुत सारी थी गाउन एंड लहंगा का, मुझे एक पसंद भी आया था, बट जो पसंद आया था ना वो बर्थडे के लिए सुटेबल नहीं था, बर्थडे पे वो बिल्कुल सूट नहीं करता, वो हल्दी और मेहंदी पे सूट करता अगर उस कलर में उस वैरायटी में था वो, मुझे वो बहुत पसंद आया था। बट अब आपको पता है वहां पे कितनी बार्गेनिंग होती है, वहां पे उस लहंगे का मुझे बताया रेट 10,000 रुपया और बोला कि सिर्फ 10% डिस्काउंट करेंगे आपका ये ओनली 10%, ठीक है। तो हमने बोला चलो ठीक है, बहुत महंगा है तो आप इसका सिमिलर प्रोडक्ट देख सकते हो, 2-4 दिखाया, बट वो मुझे पसंद नहीं, मैंने बोला नहीं पसंद तो मुझे वही है, रैंडमली बोल रही थी क्योंकि मुझे वो लेना नहीं था बर्थडे के पर्पज से, वो ठीक नहीं था। फिर उसका लास्ट बोला मुझे कि चलो ठीक है 5,000 में ले जाओ, तो 10,000 की चीजें 5,000 में सीधा 50% पे दे रहा था, जब तक उनको प्रॉफिट नहीं होगा वो क्यों देंगे। सीधा सी बात, कोई भी डिस्काउंट, कोई भी जब अपना बिजनेस करता है तो वो अपना मार्जिन रख के डिस्काउंट देता है कस्टमर को। तो अब समझो 10,000 की चीजें जब 5,000 में मिल रही है उसमें भी उनको प्रॉफिट तो होगा ही। तो अगर ये बार्गेनिंग वाले चीजों में ना मैं बहुत कंफ्यूज रहती हूँ, मेरे से होता भी नहीं है चीजें कि एक दाम रहे चलो अच्छा है, उसमें ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं। क्या बार्गेनिंग वाले में क्या होता है, कभी आप ठगा सकते हो, कभी आप प्रॉफिट में हो जाओगे, कभी बहुत ज्यादा लॉस में हो जाओगे, तो मुझसे नहीं हो पाता है। खैर कोई बात नहीं है, तो वहां से हमने कोई ड्रेस नहीं लिया था और आते आते घर 12 बज गया था, इसीलिए आप लोगों से कोई इंटरेक्ट भी नहीं कर पाई थी मैं मरीन ड्राइव घूमने के बाद। आते आते हम घर पे 12 बज गया था आके, और नींद तो काफी लगी थी, बस सोना ही लग रहा था। सो फिर आज सोच रही हूँ जाने का सीतामढ़ी के मार्केट में, और वहां से मैं साड़ी लेने का सोच रही हूँ, क्योंकि बर्थडे पार्टी, आई थिंक बर्थडे पार्टी में साड़ी अच्छा लगेगा, लहंगा वगैरह थोड़ा ज्यादा हो जाएगा और यहाँ के लिए थोड़ा ज्यादा, बहुत ज्यादा हो जाएगा, इसलिए मैं सोच रही हूँ साड़ी ले लेते हैं ताकि वो बाद में भी पर्पजली काम आए। वैसे आजकल जो लाइफ है ना फोटो वीडियो का, इसमें आप एक साड़ी अगर पहन लो, एक कपड़े पहन लें ना, तो दोबारा लगता है पहनने में थोड़ा और टाइप का, बट ऐसा होना नहीं चाहिए। बट ठीक है, ऐसा जो चल रहा है आजकल का सीनेरियो वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो मैंने सोचा है कि एक साड़ी ले, वैसे साड़ी पटना से भी ले सकती थी बट वहां का मुझे लोकल मार्केट पता नहीं है, वहां पे मुझे आइडिया नहीं कहाँ पे जाऊंगी तो क्या एग्जैक्टली अच्छा मिलेगा, या फिर
मुझे जो पसंद है वो मिलेगा। और सीतामढ़ी का मार्केट मुझे पता है कि मैं कहाँ जाऊंगी तो मुझे एक बार में भी मतलब एक बार में ही वही मिलेगा जो मुझे चाहिए। तो मैं सोच रही हूँ यहीं चली जाती हूँ और साड़ी भी ले लेते हैं एंड बाकी जो बर्थडे का प्रिपरेशन है हॉल वगैरह बुक करना वो भी कर लेते हैं। तो आज यही करने वाले हैं और अब गिनती के 2-3 दिन रह गए हैं। हमने तो बहुत वास्ट सोचा था कि बहुत चीजें करवानी है, जैसे कि अब सुंदरकांड करवाना है और अभी आपको बैकग्राउंड साउंड मम्मी पूजा कर रही है पूजा वाले घर में, इसलिए आपको आ रहा होगा। तो मैं पूजा करने के बाद आप लोगों से मिलती हूँ। सो फाइनली पूजा हो गई खत्म और अभी मैं फिर से अपना जो वीडियो है कंटिन्यू कर रही हूँ। बैकग्राउंड साउंड अगर थोड़ा बहुत आए तो उसको इग्नोर कीजिएगा क्योंकि यहाँ पे पास में कुछ काम कुछ वर्क चल रहा है। और यहाँ पे देख सकते हैं मिस्टर कुमार टॉवल वॉवल लेकर शुरू है नहाने वहाने के लिए। ये कितने बजे उठे बताएंगे गाइस को? नहीं नहीं इधर घूम के बताइए ना। नो नो गाइस, अरे बताइए ना, बताइए कितने बजे उठे हैं? सुबह 7 बजे। झूठ। सो हमने सोचा था सुंदर कांड रुद्राभिषेक सत्यनारायण भगवान की कथा और साथ साथ फिर बर्थडे मनाएंगे, बट एक्चुअली इतना चीजें हो नहीं पाई है। तो अब हम कर रहे हैं सिर्फ सत्यनारायण भगवान की कथा बर्थडे से एक दिन पहले और नेक्स्ट डे बर्थडे है। मंगलवार को बर्थडे है, सोमवार को सत्यनारायण भगवान की पूजा है बस, क्योंकि ना टाइम नहीं है। आज हो गया आपको कितना है आज डेट? 24 ना? हाँ आज 24 हो गया, तो 25 और 26 27 तीन दिन ही है। तीसरे दिन तो बर्थडे ही, तो 2 दिन है। और हम कल ही मन में ख्याल आया कि इतना कुछ करवाते हैं तो मंडली मिलना ये मुश्किल है, फिर थोड़ा मुश्किल है। पहले से कुछ भी प्लान नहीं था, हमें तो दिल्ली जाने का प्लान था बट वो नहीं हो पाया है, तो सब कुछ हच पच हो गया। बट कोई बात नहीं, नेक्स्ट ईयर हम मतलब मन में जो इच्छा है वो सारी चीजें पूरी करेंगे, ऊपर वाले का साथ और कृपा रहा तो। ठीक है, तो जैसा कि पिछले व्लॉग में मैंने आप लोगों को शॉर्ट्स में बोला था कि आप जो भी क्वेश्चन करोगे उसका रिप्लाई मैं करूंगी, उसका जवाब मैं दूंगी। तो जी हाँ, अभी आपके एक क्वेश्चन का जवाब मैं डेफिनेटली दूंगी। दीदी आपका लव मैरिज है या अरेंज मैरिज है? तो डेफिनेटली ये मैं अभी तक किसी को जवाब नहीं दी हूं इसका, बिकॉज हमें समझ नहीं आता इसको लव मैरिज का नाम दे या अरेंज मैरिज का नाम दे। क्योंकि अगर आप मेरी साइड से और मेरी फैमिली की साइड से देखोगे तो प्रॉपर लव मैरिज है, बट आप मेरे हस्बैंड और उनकी फैमिली की साइड से देखोगे तो ये अरेंज मैरिज है। ठीक है, तो हम डिसाइड ही नहीं कर पा रहे इसको कंबाइंड में क्या बोले। मेरे साइड से लव मैरिज है बट उनकी साइड से अरेंज मैरिज है। ठीक है, तो आप डिसाइड आप करिए और कमेंट कीजिए कि ये कौन सा मैरिज है। बाकी एक एक करके इन सारे क्वेश्चन का जवाब मैं आप लोगों को देती रहूंगी, तो मेरे ब्लॉग्स में बने रहिएगा। और अगर आपको मेरे वीडियोस एंड ब्लॉग्स पसंद आते हैं, मैं आपको अच्छी लगती हूँ, तो प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर हिट कर लीजिएगा ताकि उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। और अभी मैं आपके साथ कोई भी रेसिपी शेयर नहीं कर पा रही हूँ जस्ट बिकॉज मैं अभी कुकिंग नहीं करती हूँ प्रॉपरली। कभी कभार कुछ मन किया तो बना लेते हैं बट हमारा किचन बहुत छोटा है और लाइट का थोड़ा इश्यू रहता है, इसलिए उसमें कुछ सूट होता नहीं, हो नहीं पाएगा। इसलिए मैं कुछ नहीं शेयर कर रही हूँ, दिल्ली जाऊंगी तो अच्छे अच्छे रेसिपी आप लोगों के साथ डेफिनेटली शेयर करूंगी, और नई नई और बहुत इजी इजी। तो इसीलिए मेरा चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ओके, बाय बाय एंड टेक केयर।